गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, वी आर डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट एंड सीड्स। इससे पहले हमने बेटा आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फ्लावर्स, कि फ्लावर क्या होता है और फ्लावर के पार्ट्स। फ्लावर के पार्ट्स में बेटा हमारे जैसे पिस्टल, सीपल, पीटल्स, स्टामेन, पिस्टल, ये फोर पार्ट थे, ये डिस्कस किए थे बेटा हम। ठीक है, अब फ्रूट एंड सीड्स नंबर फाइव है, जो प्लांट, जो पार्ट ऑफ प्लांट है, इसका लास्ट वन जो पार्ट है वो नंबर फाइव है, फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड्स फ्रूट मींस फल और सीड्स मतलब बीज। तो क्या है कि बेटा फ्रूट, ए फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट। क्या है बेटा, ये प्लांट जो अपने पेड़ होते हैं उसका एक पार्ट होता है विच कंटेन द सीड। फ्रूट है, फ्रूट क्या कंटेन करते हैं, सीड। आपने देखा होगा कि जैसा अपना फ्रूट है, फॉर एग्जांपल लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है, इनके अंदर ये क्या करते हैं, ये फ्रूट है। और इसके अंदर फिर क्या है, इसके अंदर अपना सीड होता है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज, प्लम, लेमन, टोमेटो, टमाटर होता है जो, ये क्या है, सारे फ्रूट हैं। दे हैव सीड इनसाइड देम, जो बीज होता है वो इनके अंदर होता है। ठीक है बेटा, इनका अब क्या है, पी पॉड इज आल्सो फ्रूट। पी पॉड बोलते हैं अपना मटर होता है, मटर के अंदर इस तरीके से लाइनिंग से बनी, तो उनके अंदर जो मटर के जो उस ग्रेन होते हैं, दाना होते हैं, वो क्या है, हमारा फ्रूट है बेटा, ये पार्ट है फ्रूट का। ठीक है, पे अब फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो फ्रूट और सीड ये कहाँ से बनते हैं, ये फ्लावर से बनते हैं, किस प्रोसीजर के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब बेटा हमारा टॉपिक आता है कि पोलिनेशन क्या होता है, कि पोलिनेशन इसमें क्या होता है कि जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं बेटा, वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू, फ्रॉम एंथर टू स्टामेन, स्टामेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन, जो स्टामेन का एंथर है वहाँ से कहाँ होते हैं, टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये क्या होता है, जो बेटा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन, जो अपना स्टामेन का एंथर है वहाँ से टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, जो पिस्टिल का जो स्टिग्मा है, पिस्टिल और स्टिग्मा ये बेटा उसके पास्ट में आए थे, फ्लावर पास्ट में, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, तो टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, ये होता है बेटा हमारा पोलिनेशन। अब बेटा जो पोलिनेशन जो तैयार होता है इज डन बाय इंसेक्ट, वाइंड, विंड या वाटर, इनसे ये हमारे तैयार होता है। ठीक है बेटा, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द पोलन ग्रेन आर कैरीड फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल बाय इंसेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, जो अपने दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, जो ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को लेके जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। ठीक है बेटा, ब्लोविंग विंड एंड फॉलिंग वाटर, इंसेक्ट लाइक बीस, ये है, तो ये प्रोसीजर जो कहलाते हैं बेटा, ये हमारी पोलिनेशन होती है। अब क्या है बेटा, इसमें के जब हमारा जो पोलन ग्रेन होता है ये फाल होता है स्टिग्मा के अंदर, जो स्टिग्मा होता है पिस्टल का उसके अंदर जब ये पोलन ग्रेन फाल होता है, तो दे मूव डाउन थ्रू द ट्यूब, तो ये ट्यूब होती है बेटा उसके अंदर ये मूव करते हैं। ठीक है, डाउन नीचे की तरफ, और इसको क्या कहते हैं, हम स्टाइल कहते हैं, एंड रीच द ओवरी, और फिर ये ओवरी में पहुंच जाते हैं। अब ओवरी में क्या होता है, इन द ओवरी द मेल सेक्स प्रेजेंट इन द पोलन, जो मेल सेक्स होते हैं बेटा, मेल सेक्स वो हमारे क्या होते हैं,
कि पोलन ग्रैंड में प्रेजेंट होते हैं, फिर ज्वाइन विद फीमेल सेक्स, और ये फीमेल सेक्स के होते हैं जो उसके साथ ये मिल जाते हैं, फीमेल सेक्स प्रेजेंट हो जाए जो ओविल के अंदर, उसके अंदर ये बेटा मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर क्या है, अब हमारा टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ज्वाइन टुगेदर मेल एंड फीमेल सेक्स, जो मेल और फीमेल सेक्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो बेटा मिल जाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओवल ग्रो होता है हमारा, वो क्या करता है, ओवल में क्या करता है, वो सीड बन जाता है, बिकम सीड, और द ओवरी ऑफ ए फ्लावर ग्रो एंड बिकम फ्रूट। और फिर ओवरी जो फ्लावर की ओवरी होती है वो क्या होती है बेटा, ग्रो हो जाती है, और फिर क्या करता है वो एक तरीके से फ्रूट बन जाता है बेटा। ठीक है, तो ए फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ये है बेटा। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, ये अदर पार्ट होते हैं। अब देखिए बेटा, व्हीट ग्रेन होता है, जैसे अपने गेहूं के दाने होते हैं, और ग्राम चना होता है, कॉर्न, मक्का, पीज, मटर, पल्सिस, दालें वगैरह। ठीक है, विच वी यूज एज ए फूड, हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, और ऑल द सीड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्लांट। ठीक है, ये सीड ही तो हम सीड ही हमारे बेटा बीज हैं, जिनको हम एज ए फूड यूज कर रहे हैं हम, और ऑल दिस सीड कैन जर्मिनेट अंडर द स्टेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और बेटा जब इसको जर्मिनेट मतलब जब हम इसको उगाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारा नया पौधा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे वहन वी सो वीट सीड इन द फील्ड, जब हम खेत के अंदर सो करते हैं, बिखेरते हैं, मतलब गेहूं बोते हैं, तो क्या होता है, दे ग्रो टू गिव न्यू प्लांट वीट प्लांट, तो क्या कहते हैं, नया प्लांट बन जाता है बेटा। तो ये है बेटा, ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फ्रूट एंड सीड्स। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम बेटा ये क्या है कि अपना मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा, होमवर्क अपना ये कंप्लीट कर लेना, रिटर्न वर्क है जो आपका। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।